हेलो क्लास 12th. इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट एंड ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसके प्रीवियस हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से की जाती है, जिससे हम एक प्योर मेटल को गेट कर सकते हैं. ऑल्सो हमने फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, फैराडे लॉ को भी डिस्कस कर लिया कि क्या चीजें थी, उन्होंने क्या वहां पर चीजें बताई. नेक्स्ट हम लास्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, आपने कैसा इलेक्ट्रोड यूज किया है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. जो हमने इलेक्ट्रोड वहां पर यूज किए, अगर हमने एक ऐसे इलेक्ट्रोड को यूज किया है जो कैसे है इनर्ट, जो इनर्ट है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी तरह, जैसे प्लेटिनियम है या गोल्ड है, बिकॉज इनका जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, जो रिएक्टिविटी है इनकी वो बहुत कम है, लेस रिएक्टिव होते हैं. सो बेसिकली उन्हीं के आसपास है इनर्ट सिचुएशन में हम रख सकते हैं, तो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं. तो अगर ऐसे आप इलेक्ट्रोड को यूज करोगे तो ये केमिकल रिएक्शंस में प्रॉपर टेक नहीं, पार्ट नहीं लेंगी, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो आप मूव हो रहे हैं उनके एक रिसोर्स या शेन के लिए काम करती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे आप इलेक्ट्रॉन्स आपको वहां पर दिखाई देंगे. एंड वही कुछ आप ऐसे इलेक्ट्रोड्स को यूज करोगे जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज, ये तो इनर्ट है. अगर आप एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हो तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जब हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपको एक प्रॉपर रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी, जहां पर और वो जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा एंड आफ्टर द रिएक्शन आपको मिलेगा भी. तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके का इलेक्ट्रोड हम वहां पर यूज कर रहे हैं. ऑल्सो जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये डिपेंड करता है ऑन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट पर. बिकॉज जैसे अभी आपने प्रीवियस देखा था, हमने एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली जो सीरीज आपने पढ़ी थी, वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह वो कैसे यूज होंगे, रिडक्शन रिडक्टिंग एजेंट की तरह वो किस तरीके से यूज होते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पर दिखाई थी. तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका कितना है, यानी जो मेटल आप यूज कर रहे हो उसमें से कौन इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है या कौन इजिली रिडक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रखती है. एंड वन आवर ऑल्सो जो ये प्रोसेस हो रही है, कितना वोल्टेज आप उन्हें दे रहे हैं. अगर एक स्लो वोल्टेज पे अगर ये प्रोसेस होगी, ठीक है, एक लोअर वोल्टेज पे अगर ये प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस बहुत कम टाइम लेती है. ठीक है, अगर हम जो प्रोसेस करवा रहे हैं, बिकॉज हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे ही, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे तो एक एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, लेकिन जो वोल्टेज है वो कैसा है, अगर बहुत लोअर होता है तो प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है. ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है. एंड सम टाइम अगर हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे दे, अभी तो हम लोअर पोटेंशियल उसे रख रहे थे, और अगर हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे दे, जितना नीड नहीं है उससे ज्यादा आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, जिसे आप ओवर पोटेंशियल भी बोलेंगे हम, दैट इज ओवर पोटेंशियल, जितना मतलब एक सेल के लिए सफिशियंट था, आप उससे बहुत ज्यादा अगर ओवर पोटेंशियल वाली चीजें दे दोगे, देन उस टाइम पर जो रिएक्शन है या जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सिचुएशन कुछ डिफिकल्ट हो जाएगी कि किस तरीके से प्रोसेस वहां पर हो, वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन वहां पर होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, हम किस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ऑल्सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वैल्यू रिगार्डिंग देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो टेबल है जो चार्ट है पूरा उसके अकॉर्डिंग, और ऑल्सो अगर आप लोअर टेम्परेचर या लोअर वोल्टेज रख रहे हो तो वहां पे रिएक्शन काफी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल देते हैं या ओवर पोटेंशियल दे देते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन होती है, जो भी हम देखेंगे. तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस देखने वाले इन दिस, सो इन फर्स्ट केस या फर्स्ट एग्जांपल, जहां पर मोल्टेन NaCl का यूज किया जा रहा है. NaCl को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, सो NaCl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl कन्वर्ट हो जाएगा इन Na+ एंड Cl माइनस. ठीक है, ये Na+ है, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहां पर होगा क्या, बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें एक प्योर मेटल मिलेगा, किसका, सोडियम का एक प्योर मेटल मिलेगा, ऑल्सो
Cl2 गैस यहाँ पर रिलीज होते हुए आपको मिलेगी। बिकॉज आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेट्स में होते हुए दिखाई दी थी वैसी प्रोसेसेस नहीं होंगी। बेसिकली जिस भी हमने एलिमेंट को यूज किया है उसका प्योर फॉर्म में गेट किया जाता है इन दिस प्रोसेस। ऐसा क्यों है? बिकॉज आप एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा वोल्टेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो कैथोड है, सो कैथोड आई थिंक हमें पता चल गया कैथोड पे क्या होता है, सी आर होता है, तो आर फॉर रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, और कैथोड में जो Na प्लस है, ठीक है, Na प्लस, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na में, और यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। एंड वही एनोड की बात करें, सो एट एनोड Cl- अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑलवेज हम Cl2 लिखते हैं, हमेशा जहां पे भी आपने देखा होगा ऑलवेज Cl2 का यूज किया जाता है। सो और बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, सो इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Cl-, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है, सो एक इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में, बिकॉज ऑलवेज Cl2 लिखा जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर हाफ वर्ड यूज करा है, ताकि जो Cl2 है वो बैलेंस रहे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि एट एनोड पर जो Cl है ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज कैथोड एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बन जाएगा Cl2, Cl2 फॉर्म हो जाएगी, Cl2 गैस मिलेगी और आपको एक अलग मेटल Na और Cl गैस अलग अलग होते हुए मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जिससे वो अपने कंपोनेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल था जिसमें फर्स्ट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आपको जस्ट अपोजिट रिएक्शन सारी हो रही है। ऑल्सो यहाँ पर जो सिचुएशन है वहां पर सिर्फ NaCl है, इसके अलावा कोई और चीजें यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अब अगर NaCl का एक एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन में इसके साथ कौन सा क्या होगा, वाटर। इन नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम NaCl ले रहे हैं विथ वाटर, अब वाटर के साथ आपने NaCl लिया, एक एक्वस सोल्यूशन हमने यहाँ पर लिया, इस एक्वस सोल्यूशन में अब हमें क्या मिलेगा, इस एक्वस सोल्यूशन में अगर हम निकालें तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस देंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो दो रिएक्शन है यहाँ पर, पहला NaCl ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ एंड Cl-। ऑल्सो यहाँ पर क्या है, H2O भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट ये क्या बनेगा, H+ एंड OH-। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दो एनायन है, दो कैटायन है, Na+, H+, Cl-, OH-। तो अब क्या होगा, अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये अब हम बता करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं एट कैथोड, कैथोड पे किस तरीके से रिएक्शन होगी, एट कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, चलो पता चल गया अभी, अब तक यहां पे क्या होगा, रिडक्शन। बट किसका रिडक्शन होगा, हम किसका रिडक्शन करें, Na पॉजिटिव भी है यहां पर और H+ भी है, Na पॉजिटिव भी है और H+ है, दोनों के केस में क्या हो सकता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से एक ही रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन होगी ये हमें पता करना है, और ये पता चलेगा बाय द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। Na का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -2. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
वो कितना है -2.71 वोल्ट अराउंड दिस, ऐसे ये कुछ 2.71। और वही जो हाइड्रोजन है या फिर एच है, इसका जो सेल पोटेंशियल है दैट इज 0.00 वोल्ट, एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0.00 वोल्ट इसकी वैल्यू है। किसका पोटेंशियल है? हाइड्रोजन का। सो अब यहां पर ये देखा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन इजिली हो सकती है, ये रिएक्शन यहाँ पर इजिली हो सकती है या ये रिएक्शन इजिली हो सकता है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हाई ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेकर इन दोनों में से रिड्यूस जल्दी कौन होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। अगर ये हम निकालना चाहें, सो जिस तरीके से आपको ये वैल्यू दी है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर वैल्यू वाला होगा, दैट मीन्स इन दोनों वैल्यू में से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है, इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है वो कैथोड पर ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है यहाँ पर, हाइड्रोजन का, बिकॉज ये तो माइनस में है, माइनस में वो कम वैल्यू होती है, जो माइनस में वैल्यू है वो कम है, और जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, जो कि यहाँ पर क्या है 0.01। इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो सोडियम है, मैं दूसरे तरीके से बता दूं ताकि आपको इजीली याद रह जाए, सोडियम है वो हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कोशिश करता है, ऑलवेज वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2.8 गेट करेगा, और वो ज्यादा स्टेबल आता है इस कंडीशन में, है ना, हमें याद है ना 2.8111 है ये, इसको रिलीज करके, हमेशा रिलीज करके ज्यादा स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। और वही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम एक है उसके पास एक और दे देंगे तो वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, अगर उन्हें प्रॉपर उनके कंपोनेंट में चेंज करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप उसे याद कर सको कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा इजिली रिएक्शन कर सकेगा, और यहाँ पर जो बताया गया है रीजन वो ये भी है कि जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पर करता है। तो रिएक्शन किसमें होगा, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर हमें मिला है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाफ एच टू ओ में से एच टू में, एच टू इसमें लिख रही हूँ बिकॉज जब भी एच टू लिखते हैं तो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट की जाते हैं, इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने हाफ लिखा हुआ है ताकि वैल्यू बैलेंस रहे इस वजह से। ठीक है, ऑल्सो जो ये रिएक्शन है और जो ये एच आया है, तो एच आया कहाँ से है, जो एच आया है ये आया है जो ऊपर आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, जिसमें यहां से आया जो एच आपको यहाँ पे मिला है, जो कैथोड पर जिसने रिएक्शन की वो यहां से आया है, जिसमें एच टू ओ से एच अलग हो गया और एच प्लस अलग हो गया और ओ एच माइनस अलग हो गया। अब इन दो रिएक्शन को ध्यान में रखकर अगर हम एक नेट रिएक्शन निकालें, कौन सी दो रिएक्शन, जो ये दो रिएक्शन यहाँ पर हैं उनको हम ध्यान में रखकर एक नेट इक्वेशन निकालें इनकी, तो क्या मिलेगी, एक नेट इक्वेशन अगर हम यहाँ पर निकालते हैं प्रॉपर इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या होगी, एच टू ओ फाइन, एच टू ओ आफ्टर दैट यहाँ एक एच पॉजिटिव है, यहाँ पर एक एच पॉजिटिव है, ठीक है, आर एच एस और उधर क्या है एल एच एस, तो वहां पे क्या हो गया, वो कट हो गया, कट हो सकता है ना, तो ये हमने इसे कट कर दिया। अब यहाँ पर एस टू था, अब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन, एंड दैट साइड आपको क्या मिला, यहाँ पर एच टू हाइड्रोजन गैस एंड ओ एच माइनस। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है जो आपको कहां पर होते हुए दिखाई देगी, एट द कैथोड, ठीक है, ये आपको याद रखना है बिकॉज इन द लास्ट हमें इसी रिएक्शन को यूज करना है। ये कहां पर हो रही है, कैथोड पे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले अबाउट द एनोड, सो जो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी एट द कैथोड, मैंने यहां पर साइड में लिखी है, नेक्स्ट हम रिएक्शन करने वाले एनोड। अब जैसे कैथोड पे दो चीजें थी एन ए प्लस एन एच प्लस, वैसे ही कैथोड पे भी यहां पर दो चीजें हैं, दैट इज सी एल माइनस एंड ओ एच माइनस, ये दो चीजें यहां पर मौजूद है। अब कौन रिएक्शन करेगा, सीएल माइनस ऑक्सीजन को रिलीज कर
कन्वर्ट हो जाएगा इन सीएल टू गैस, मतलब जो सीएल माइनस है, जो सीएल माइनस है वो यहां पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर कर सीएल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यहां पर जो ओएच है, ओएच फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम यहां पर ये कि जो ओएच है ये कैसे रिएक्शन करेगा। यहां पर हम ओएच को रिएक्शन अगर हम करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ओएच इस फॉर्म में लिखा है, इसी फॉर्म में अगर हम यहां पर रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बन जाएगा, ओएच। बट ओएच क्या, ओएच है क्या, जब ओएच किसी चार्जेस में या फिर किसी के साथ मौजूद है तब वो कुछ बनाता है, अदरवाइज सिंगल ओएच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी तरह वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक्चुअली क्या किया जाता है, फोर मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हम ले रहे हैं। सो बेसिकली जस्ट वन इलेक्ट्रॉन को OH रिलीज करके कुछ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लमेटिक चीजें बन जाएंगी और जो मेन प्रोडक्ट है वहां पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम फोर OH का यूज करेंगे, फोर OH का जब हम यूज करेंगे तो वो फोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, यहाँ पर फोर OH बनेगा। अब जो ये फोर OH है आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। आप देख लो टू टू जो फोर, यहाँ पर फोर OH है यहाँ पर, और टू फोर टू एंड टू फोर, तो इस तरीके से क्या है, जो OH है आगे जाके अपने आपको वाटर एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन समझा दें कि रिएक्शन किस तरीके से, ऑल्सो इन दोनों में से अब रिएक्शन होगी किसकी ये हमें पता करनी है। हम अगर इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर निकाले, तो जो सीएल वाले रिएक्शन है उसका पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट, एंड वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दूसरी रिएक्शन यहां पर हुई है उसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं दैट इज 1.23 वोल्ट। लेकिन अब वही प्रोसेस क्या, इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस वहां पर होगी, तो जिस की वैल्यू यहां पर, सो जो ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, इसमें से जिसकी वैल्यू लोअर है, जो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो कर रहा है वो यहां पे प्रोसेस करेगा। लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका है, ठीक है, लेकिन अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्रोडक्ट को हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल अगर प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन हो रही है, या ये प्रोसेस तभी हो पाएगी जब आप उसे एक्स्ट्रा और सारे OH आप प्रोवाइड करोगे, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे, तब क्या होगी, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप बहुत लोअर रखोगे तो जो रिएक्शन है उसे होने में काफी टाइम लगेगा, और एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल देखने लगेंगे तो वो रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो पाएगी, प्रॉपर तरीके से ये रिएक्शन अकर से नहीं हो पाएगी, बिकॉज हम वहां पर क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा पोटेंशियल देते हैं। एक्स्ट्रा पोटेंशियल क्या है कि जितना इस सेल का पोटेंशियल है, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस वजह से जो और जो सेल का पोटेंशियल निकल कर आ रहा है, और ये ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए हमें जो वहां पर ओवर पोटेंशियल देना पड़ रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ओवर पोटेंशियल हो जाता है, और ऑक्सीजन के टाइम पर ऑक्सीजन को फॉर्म करने के लिए हमें ओवर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जिस वजह से ये वाली इक्वेशन होना ज्यादा प्रेफर करती है, एंड यही रिएक्शन आपको सीएल टू पर होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, सीएल टू सीएल टू का फॉर्मेशन होगा एट द एनोड, यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा किसका, सीएल का होना चाहिए था इसका जो OH है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा आगे जाकर, एंड ऑक्सीजन के फॉर्मेशन होने के से ओवर पोटेंशियल यहां पर जल लगने लगेगा, जिस वजह से सीएल टू की जो प्रोसेस, सीएल टू बनने का जो प्रोसेस है वो होगा एट द एनोड। So, अभी यहां पर आपको जो वैल्यू मिली है, क्या थर्ड पर एक रिएक्शन जो हमने प्रीवियस निकाल दी थी नेट रिएक्शन, दूसरा एनोड पर ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, और ये तो H2O की नेट रिएक्शन हमने निकाल रखी है, इसके अलावा हमने क्या यूज किया था, NaCl की भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं। NaCl क्या कर रहा था, वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ एंड Cl- इन स्टार्टिंग। अब ये थ्री इक्वेशन है, अब इन थ्री इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे और एक नेट रिएक्शन लिखेंगे।
एक नेट रिएक्शन अगर हम यहां पर लिखें, सो वो रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट NaCl H2O एंड Na+, है ना? यहां पर क्या होगा इन दिस केस? सो यहां पर जो नेट रिएक्शन मिलेगी वो क्या होगा? पहले हम एरो की साइड की चीजें लिख लेते हैं, दैट इज Na+ प्लस, Na+ H2O Cl, Cl यहां भी Cl था, यहां भी Cl था, कट ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कट कर दिया इन सारी चीजों को RHS LHS के थ्रू। देन नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? Na+ प्लस, Na+ प्लस OH- माइनस प्लस हाफ H2O एंड प्लस हाफ Cl2। ये दोनों कैसे है? गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये एक प्रॉपर रिएक्शन है जो आप ऐसे सॉल्यूशन के बाद आपको मिलेगा जहां पर NaCl को आप एक्वस फॉर्म में यूज करोगे। तो ये जो नेट रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये कुछ इस तरीके से यहां पर होगी। अगर आप इसे ध्यान से देखें, क्या है ये? अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां पर ये क्या है? NaOH, Na प्लस OH माइनस, ये आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। बिकॉज जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो गई, Na पे भी कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, ठीक है, Na ने भी कोई रिएक्शन नहीं की थी, वो सिर्फ रिएक्शन, बिकॉज वहां पर किसकी रिएक्शन हो रही थी? H पर, H पॉजिटिव की रिएक्शन हुई थी, कैथोड पर रिडक्शन उसका हुआ था, तो Na क्या होगा? नीचे की तरफ बैठता जाएगा। एंड वैसे ही OH की प्रोसेस नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से Cl2 की प्रोसेस होती है, तो वहां पर Cl भी नीचे की तरफ बैठता जाएगा। और जब Cl और Na प्लस और OH आपस में मिलेंगे तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलेगी एंड Cl2 गैस मिलेगी। सो जब हम NaCl को एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, तो वहां पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और Cl2 गैस मिलती है। और अगर हम नॉर्मल Na और Cl को अलग अलग करवाते हैं तो आपको Na मेटल और क्लोरीन गैस वहां पर मिलती है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को वहां पर यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो उनका पोटेंशियल है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है नहीं हो सकती, उसके बेसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट हमें फॉर्म होते हैं मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल दिया है बाय द सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम एक एक्वस फॉर्म है उसमें अगर हम यूज करते हैं तो कुछ इस तरह की रिएक्शन वहां पर भी होगी जिसके थ्रू आपको जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होते हुए मिलेंगे। ओके।